हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए से एक फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट एंड फैंटास्टिक डिस्प्ले मोबाइल्स अंडर 15,000 रुपीज़। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कौन से ज़बरदस्त वाली डिस्प्ले वाली मोबाइल से 15,000 की रेंज में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श, आप देख रहे हैं एडिटर। दोस्तों पांचवी नंबर पर आता है सैमसंग गैलेक्सी F22। अब सैमसंग गैलेक्सी F22 फिफ्थ नंबर पर इसलिए आता है क्योंकि इसके अंदर ओनली आपको HD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। अगर फुल HD इसके अंदर मिलता था तो ये 4 या 3rd पोजीशन पर जरूर होता था। दोस्तों इसके अंदर 90Hz का डिस्प्ले है, 600 nits का ब्राइटनेस है, तो ओवरऑल एक अच्छी खासी डिस्प्ले है, आराम से आप यूज कर सकते हो। दोस्तों फोर्थ पोजीशन में आता है सैमसंग का ही एक और डिवाइस जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी F41। सैमसंग गैलेक्सी F41 में मिल जाता है 403 PPI फुल HD प्लस रेजोल्यूशन इसके अंदर मिल जाता है और 420 nits का ब्राइटनेस मिलता है। ये मोबाइल फोर्थ नंबर पर इसलिए आता है क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन है फुल HD प्लस है और जो PPI है पिक्सल्स पर इंच 403 है, तो बहुत ही फैंटास्टिक इधर एक ओवरऑल पैकेज है डिस्प्ले के मामले में। दोस्तों थर्ड पोजीशन के ऊपर आ जाता है रियल मी 8 मोबाइल आ जाता है जिसके अंदर मिल जाता है 1000 nits की ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस, मतलब ये जो पीक ब्राइटनेस है 1000 nits और HDR10 इसके अंदर देखने को मिलता है। सुपर अमोलेड डिस्प्ले है, 411 PPI है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, 411 PPI पिक्सल्स पर इंच, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक डिवाइस में। अगर आपको डिस्प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए, शार्पनेस चाहिए, तो पिक्सल्स पर इंच थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो ये मोबाइल आता है थर्ड पोजीशन के ऊपर। दोस्तों सेकंड पोजीशन पे आ जाता है Xiaomi का Redmi Note 10 मोबाइल जो कि एक बहुत ही फैंटास्टिक मोबाइल है इसके प्राइस रेंज के हिसाब से। इसके डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो सुपर अमोलेड डिस्प्ले इसके अंदर मिल जाता है, 415 nits जो एक नॉर्मल एवरेज ब्राइटनेस है और ये इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो 1100 nits है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और 409 PPI इसके अंदर देखने को मिल जाता है और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन Redmi Note 10 में मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी पैकेज है डिस्प्ले के मामले में। दोस्तों अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग हमेशा से ही बहुत ही अच्छी डिस्प्ले बनाता आ रहा है और इस लिस्ट में भी सैमसंग गैलेक्सी M32 आता है फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जिसके अंदर मिल जाता है 90Hz का डिस्प्ले, 411 PPI, 800 nits का पीक ब्राइटनेस, फुल HD प्लस इसका रेजोल्यूशन है और इसके अंदर मिल जाता है 90Hz का डिस्प्ले। दोस्तों तो ये रहे कुछ टॉप 5 मोबाइल्स जिनका डिस्प्ले बहुत ही फैंटास्टिक है। दूसरे स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, केवल और केवल डिस्प्ले के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप अगर आपको एक बहुत ही फैंटास्टिक डिस्प्ले वाले मोबाइल्स चाहिए 15,000 की रेंज में, तो आप इन सारे मोबाइल्स को कंसिडर कर सकते हो और आप सारे स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए आपके हिसाब से कौन सा मोबाइल आपको अच्छा लगता है वो मोबाइल आप ज़रूर ले सकते हो। दोस्तों मेरे हिसाब से सैमसंग गैलेक्सी M32 और Xiaomi का Redmi Note 10 का डिस्प्ले बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले से इन सारे लिस्ट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।